They're properly affect the animals as well. In the recent search of Arbery. So you're saying he touches almost 6 7 people in this one day. So you can, you know, things like that are responsible. Bears, leopards, you can tell the two main women when he almost 15 years. He can find out about it. And another trophy. ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आजकल सबसे बहुत बड़ा इशू है। ताहिर आजम फॉर डूइंग सच अ ब्रिलियंट कैंपेन हियर एंड आई वुड लाइक टू कॉल द फेम से हु इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट प्रे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सो इंपॉर्टेंट? इकोसिस्टम, आई मीन व्हाई नॉट अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स और गो ऑर्गेनिक। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड था, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें हम करें और हम बहुत ज़्यादा अवेयर हुए इस चीज़ से कि हमारे जो हमारा नज़दीकी एरिया है हिरपोरा, जहाँ पे हम ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो एंडेंजर्ड है, तो अवेयरनेस काफ़ी अच्छी मिली हम सबको और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी ये। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे। आई गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ, हाउ टू कंजर्व आवर बायोडायवर्सिटी, हाउ टू प्रमोट द वाइल्ड लाइफ एंड आई आल्सो प्रिपेयर हियर अ टॉपिक अबाउट द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड था कि हम कैसे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम जिससे लोग अवेयर हो सकते हैं अबाउट दिस कंजर्वेशन। मुद्दा मकसद यही है कि हम जो है अपने जो यूथ है, अपनी जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन है, उन तक हम पहुँचे, उन तक ये मैसेज पहुँचाए कि जो वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इफादियत जो है उन तक पहुँचाए और हम इनको अपना रोल समझाए कि एज स्टूडेंट, एज फ्यूचर ऑफ दिस जो हमारा फ्यूचर है, तो उनका रोल क्या हो सकता है इस ऐसे हमारे जो वर्सा है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए जो है हम कैसे, किस तरह से जो है अपना रोल निभा। यादेश हॉस्पिटल इज अ मेजेस्टिक 7-story बिल्डिंग विद अ बेसमेंट, अ लैंडमार्क दैट कैन नॉट बी मिस्ड ऑन द बठिंडा बरनाला नेशनल हाईवे नंबर 7। It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state of the art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,